आपकी दोस्त अरीज इदरीस, आई हूं अपने शो वॉकीज टॉकीज के साथ। आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में और आप देख रहे हैं APNN डिजिटल। आज हम पूछेंगे लोगों से कुछ सवाल और जानेंगे उनका जवाब, तो आइए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सायरा। सर हमारा एक सवाल है, उसका आप हमें जवाब देंगे अगर देने वाला हुआ तो। अच्छा हमारा सवाल ये कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में फिर से बोले। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ENGLL आता है। N आता है। F। मुझे नहीं पता। E के बाद F। F आता है। हाँ। पक्का? लॉक कर दूँ? E के बाद। E के बाद क्या आता है? F। पता नहीं। English में E के बाद L आता है। हमारे साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने हमें जवाब देने से इनकार कर दिया, यानी हमें जवाब ही दे दिए, तो पता है वो कौन है? बता दूँ? ठक्की ठिक्की ठक्की ठिक्की ठा। हमें एटीट्यूड बहुत है बंदे में, जवाब ही नहीं दे रहा भाई। ठीक है तूने ब्रांड के कपड़े पहने हैं पर हमें जवाब तो दे, नहीं तो ना से भाई जा, तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। एफ। एफ आता है। आपने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं? मैं 10th। मैंने 12th में हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ। 10th पढ़ के भी नहीं पता इंग्लिश के बाद क्या आता है? एफ ही आएगा। एफ ही आता है। एन। शाबाश। एन आता। सवाल पूछने से पहले ये मुझे कहते कि मैंने गाना सुनाना है, तो मैंने कहा भाई अब बंदा इतनी जिद कर ही रहा है तो उसे गाना ही सुन लेते हैं, तो सुना दे गाना भाई फिर। जा तुझे माफ किया इंटरव्यू लेने वाले, जा तुझे माफ किया इंटरव्यू लेने वाले। ई के बाद एन आता है। एन। हाँ ये था असल सही जवाब। सर आप तो बड़े जीनियस निकले, मुझे यकीन नहीं था लेकिन आप जीनियस निकले। टंग ट्विस्टर हम आपको बताएंगे, आपने 5 दफा बगैर रुके बोलना है, ठीक है? मुझे नहीं आता। आपका टंग ट्विस्टर ये है कि ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ये आपने 5 दफा बगैर रुके जल्दी जल्दी करना है। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, 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 ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, व्हाट इज इट? ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। नहीं आंटी इतनी नजाकतों से नहीं बोलना। ब्लैक बैकग्राउंड जल्दी जल्दी, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ये तो आप मुझे सिखा रही हैं, आपने मुझे जल्दी जल्दी सुनाना है कि ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड है, तो एक ही बात है चाहे ब्लैक हो या ब्राउन, ब्राउन ब्राउन या ब्लैक ब्लैक है। आप ऐसा करें, इतनी आपकी खूबसूरत बीवी है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, तो इनके लिए कोई गाना ही डेडिकेट कर दें। दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठे, अख नाल अख नु मिला के, दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैठे, अख नाल अख नु मिला। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। बच्चा बाजी ले गया जी। लोगों से तो मैंने बहुत बात के कर ली, लेकिन ये मुझसे बात करना चाहते तो हम इनसे भी बात कर लेते, तो आइए चले। हाँ भाई क्या हाल है? जो बात कर रहा था वो तो पूरी कर ले यार, नाराज हो गया। नहीं तो ना सही, आपकी सुरीली आवाज है या नहीं जो भी है आप हमें गाना सुना दे। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल नशोद नशी, सुंदरी सुंदरी
मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जी तो ये था आज का मेरा शो, उम्मीद है आपको मेरा शो जरूर पसंद आएगा। अगर आप भी हमें जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मुझे अरिजीत रीस को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।